कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर मैंने है जो कि अलसी के जो बीज होते हैं उनसे जेल निकाला था और उसके बाद उसको अपने हेयर के लिए एक अच्छा सा मास्क बनाया था, हेयर मास्क बनाया था, और वो काफ़ी बेनिफिशियल है। और गाइज आप भी उसको है जो कि यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने जो अलसी के बीज थे उसके अंदर से जो जेल था वो निकाल लिया था, लेकिन पीछे से क्या था हमारे पास है जो कि वो सीड बच चुके थे। तो गाइज हमें इन सीड को है जो कि कूड़े के अंदर नहीं डालना है। क्या आप सोचो कि ये वेस्ट हो चुके हैं? नहीं, ये वेस्ट नहीं है, अभी भी इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं। बस ये है कि हम दोबारा से अगर इसको करेंगे तो इसमें से जेल नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं और जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको है जो कि किस तरह से भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ जैसे कि ये मैंने लिए हुए थे बीज, सबसे पहले हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी के अंदर, और अच्छे से पानी के अंदर वॉश कर लेने हैं। और गाइस जो भी इसके अंदर आपको लगता है कि ये वो इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी, और उसके बाद हम आसानी से है जो कि छलनी की सहायता से है इसको अलग कटोरी में छान लेंगे। सो गाइज हमारे पास हैं जो कि फ्रेश और अच्छे हैं, जो कि जो भी इम्प्योरिटी थी वो निकल चुकी है, और अब हमारे पास हैं जो कि सीड बिल्कुल अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसका हम है जो कि जैसे कि एज अ डाइट के अंदर आप ऐसे ही ले सकते हैं इसको, मतलब इसके अंदर कुछ अगर आपको डालना है तो डालो, वरना ऐसे भी इसको खा सकते हैं। काफ़ी न्यूट्रिशन है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो गाइस आप इसे फेंकने के बजाय अगर आप इसे ऐसे भी खा लोगे तो ये काफ़ी मतलब अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए, और जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जब हम इसको क्या होता है कि इनके अंदर हाई प्रोटीन होता है, और अगर अब इसमें से जैसे कि जेली निकल चुकी है और जो ये सीड बाकी का जो भी प्रोटीन्स है इसके अंदर रह चुके हैं, और अब अगर हम इसको खाते हैं तो यह हमारी बॉडी के अंदर ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और कोई हार्मफुल इनका कोई नुकसान भी नहीं है। और गाइज आप इसको अलग अलग तरीके से भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं खाना चाहते तो आप जैसे कि सूप तो हर घर में बनता ही है, मोस्टली विंटर के अंदर तो बहुत मतलब सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप उसके अंदर भी है जो कि एक चम्मच इसका है ऐड कर दीजिए, ताकि इसके जो न्यूट्रिशन है और जो आपका सूप है वो और भी ज़्यादा है जो कि वो हेल्दी बन जाएगा, और आपके जो ये हैं सीड बचे हुए थे और ये भी यूज़फुल हो जाएंगे और इनका बेनिफिट भी आपको ज़रूर मिलेगा। और गाइज अगर आप इस तरह भी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको है जैसे कि जो ब्रेड होते हैं, आपने मल्टीग्रेन ब्रेड तो सुना ही होगा और खाए भी होंगे काफ़ी ने, तो आपने देखा होगा कि वो ब्रेड के ऊपर हैं जो कि अलसी के बीज हैं लगे हुए होते हैं। तो गाइज आप अपने जो ब्रेड ले, आप सिंपल प्लेन ब्रेड ले लीजिए और उसके ऊपर है जो कि इनको लगाकर और सिकाई सी कर दीजिए, और जिससे कि यह काफ़ी क्रंची बन जाएंगे और खाने में काफ़ी टेस्टी लगेंगे। तो गाइज आप है जो कि अलग अलग तरीके से है जो कि इस टाइप से आप इसको खा सकते हैं। गाइज आप इसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी भी इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं और जो कि आपकी बॉडी को मिलेंगे और वो काफ़ी आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे। और गाइज अगर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, क्या है कि आप इसे डायरेक्ट मत रखिए, आप एक टाइट कंटेनर लीजिए, जैसे कि कांच का जो जार होता है उसके अंदर है जो कि जैसे कि आपने अपना हेयर मास्क है जो कि बनाया और उसके बाद आपके पास है जो कि अलसी की सीड निकल जाते हैं, तो उनको है जो कि आप फ्रीज़र के अंदर है स्टोर कर सकते हैं, और एक मंथ के लिए ये इजीली स्टोर हो जाते हैं और इनका यूज़फुल भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस है जो कि हम इनका रीयूज़ कर सकते हैं, और गाइस इस तरह है आप है जो कि इनको यूज़ कर सकते हैं कूड़े की बजाय, अगर आप इसको अपने डाइट में लेंगे तो आपको है जो कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको मिलेंगे। सो गाइस मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको है जो कि जैसे कि अलसी के सीड्स में से जेल निकालने के बाद जो बच जाते हैं तो उसका मैं एक और तरीका आपको बताऊँगी कि हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे खाना नहीं चाहते हो तो आप उस तरीके से भी इनका यूज़ कर सकते हो, और यह हमारे लिए
बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इनको कूड़े में मत गिराइए और इनका दोबारे से यूज़ कर सकते हो आप। और गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।